Hello and welcome guys, I'm Pushpan Dhakra and welcome to Fly Academy. In this video, we are learning about changing the sentence. जी हाँ, sentence को change कैसे करते हैं, चाहे उनको हम tense wise change करें या फिर negative से interrogative या positive में change करें. अधिकतर क्या होता है कि बस ज़्यादा मैं change हो इतना problem नहीं आता बच्चों को, कुछ चीज़ों में आता है तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे. मेन चीज़ यहाँ पे है कि आपको दो तरह की verb होती है, एक main verb होती है और एक helping verb होती है. अब जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, इन्हीं से हम पूरा टेंस को पहचानते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कुछ रूल्स पता ना होने की वजह से हम गलत कर देते हैं. जैसे कि आपको पता ही है कि अगर कभी भी हमें नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, तो अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं, और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देते हैं. अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर सपोज करो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों सिमिलर हो जाए, दोनों एक ही हो जाए, फिर क्या होगा तो अभी देखते हैं. तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसी प्रॉब्लम आती है डू में. डू, इसका फर्स्ट फॉर्म डू, डिड एंड डन. तो एक्चुअली डन तो आएगा नहीं, दो चीजें आपको ज्यादातर आने वाली है, डू और डिड. अभी क्यों आने वाली है इसका मैं आपको क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ. डू आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, जो कि अधिकतर प्रेजेंट टेंस में आपका फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. डिड डिड आपका सेकेंड फॉर्म होता है. सेकेंड फॉर्म आप जानते हैं हमेशा आपको सेकेंड फॉर्म सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में ही होता है और कहीं भी नहीं होता. और प्रेजेंट जो फर्स्ट फॉर्म तो अलग ही बहुत सारी जगह यूज होती है. अब लेकिन आप कुछ रूल समझने में, दो टेंस के रूल आपको बताने वाला हूँ. प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, और ना ही सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. मैंने आपसे टेंस पहले ऊपर पूरा पढ़ाया हुआ है, तो आप उससे समझ सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट फॉर्म ये है, तो ये और ये आपका डिड, ये सेकेंड फॉर्म है. अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ ये चीजें बताने का. क्या था, हम टेंस एक सेंटेंस ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ. आई डू माय वर्क, आई डू माय वर्क. और आपसे ये कह देंगे कि इसको आपको नेगेटिव बनाना है, तो हम कहेंगे नेगेटिव बनाने का सिंपल सा रूल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो. प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू. तो आपने लिख दिया आई डू नॉट माय वर्क, आई डू नॉट माय वर्क. ये क्या हुआ, ये बिल्कुल ही गलत है कि आपने मेरे को गलत बनाया हो, क्योंकि डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपकी मेन वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे कौन सी वर्ब है, आपकी मेन वर्ब है. तो अब जरा समझिएगा जरा क्या सिस्टम है. ये आपका जो टेंस है, ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस का टेंस, ये सेंटेंस बना हुआ है. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं. तो इसका मतलब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज. जी हाँ, क्या होती है, डू और डज. तो अब यहाँ पे क्या हमें लग रहा है कि डू लिखा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब. लेकिन आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, इसका मतलब ये मेन वर्ब है. अगर मैं इसको नेगेटिव बनाना है कैसे बनाऊंगा, देखिएगा आई, तो इसका हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, आई डू नॉट डू माय वर्क, आई डू नॉट डू माय वर्क. तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल करेक्ट. गलती कहाँ हो रही थी कि एक्चुअल में क्या होता है कि डू आपका यहाँ पे मेन वर्ब है और हम इसको हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं. तो अधिकतर एक ये क्वेश्चन आता है. एक और क्वेश्चन क्या आता है, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ. अब सेकंड जो आता है वो आता है आई डिड माय वर्क. तो यहाँ पे हम समझते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी डिड ही होती है, तो हम समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब ये आपका आई डिड माय वर्क, मैंने अपना काम किया, तो ये आपका पास्ट टेंस है. तो आपने कहा कि पास्ट टेंस है तो आई डिड माय वर्क, तो आई डिड नॉट माय वर्क, आई डिड नॉट माय वर्क. तो यही हम गलती करते हैं, क्योंकि आपका डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है. तो ये हमसे गलती हो जाती है. और यहाँ पे आपको समझना है, क्योंकि सिर्फ पूरे टेंस में, सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में ही ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, अदरवाइज कोई भी टेंस के किसी भी सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होती. तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है. तो हम इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो जाएगा आई डिड नॉट, I did not, ये आपकी helping verb. अब ये did है, इसको हम सिर्फ simple sentence में हम second form use करते हैं, तो अब negative है, तो यहाँ पे first form ही आता है. तो I did not do my work, I did not do my work. तो ये आपका बिल्कुल simple हो गया. Actually क्या, बच्चों को बहुत ज़्यादा confusion होती है इस चीज़ को लेके, और अधिकतर जो paper में एक बार ना एक बार ये आ ही जाता, चाहे वो competitive exam हो या कुछ भी चीज़ हो, तो बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं. एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में और एक सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इन दोनों में ये स्पेशल रूल लगता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता. ठीक है, तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.